आज के समय में महिलाओं और पुरुष दुबला पतला और कमज़ोर होते हैं तो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अपने दोस्तों के साथ व ऑफिस या अन्य लोगों के साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो आज इस वीडियो में का टॉपिक है दुबला पतला और कमज़ोर महिलाओं और पुरुष को हट्टा कट्टा मजबूत और थोड़ा सा मोटा शरीर बनाने के 5 घरेलू उपाय के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दूंगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट है घी। दुबले पतले और कमज़ोर लोगों के लिए घी खाना अधिक लाभकारी है क्योंकि घी वजन बढ़ाने में मदद करता है। दरअसल घी में हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये दोनों वजन बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा है चिकन खाएं। रोजाना चिकन खाने से वजन बढ़ता है। चिकन बिरयानी, बटर चिकन, फ्राई चिकन जैसे चीज़ों में कैलोरी की मात्रा अधिक होता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चिकन सप्ताह में 2 बार ही खाएं क्योंकि इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। तीसरा है केला खाएं। वजन बढ़ाने के लिए केला खाएं। केला में फाइबर, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। रोजाना 2 केला खाने से वजन बढ़ता है, या आप केला का शेक बनाकर भी ले सकते हैं। चौथा है सोयाबीन की बड़ी। आपको थोड़ी सी मात्रा में सोयाबीन की बड़ी नाश्ते में लेना चाहिए, ये वजन बढ़ाने में भी मदद करता है और शरीर को फिट रखता है। सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन से भरपूर होता है, इससे शरीर मजबूत होता है। पांचवा है दूध व शहद। वजन बढ़ाने के लिए दूध व शहद दोनों को मिलाकर एक दिन में 2 बार लेना चाहिए। एक तो सुबह ले सकते हैं व दूसरा शाम को ले सकते हैं। इसे आप लगातार 15 दिन तक करेंगे तो इन चीज़ों को आपका शरीर फिट व थोड़ा से मोटा हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मन में भी किसी प्रकार की क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।